सेक्शन में आपका स्वागत है और हमारे जितने भी भाई वीडियो देखते हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार है। आज की मैं वीडियो में एक जो इंडक्शन का प्रॉब्लम है वो वीडियो का आपको कंटिन्यू देखना है और आपके लिए पावरफुल वीडियो है और हेल्प रहेगी पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको पता है तो जो इंडक्शन रिपेयरिंग करना घर बैठे सीखना चाहता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें एक बार डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं कि सर कैसे सिखाते हैं और इसका प्रोसेस क्या है और कितना फीस है, तो आप एक बार हाई करके भेजिए सर मेरे को इंडक्शन कुकटॉप सीखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा और एक बार नहीं दो बार देखो आपको जरूर समझ में आएगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो मैं उनके लिए बनाया हूँ, हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आया सर कि आज के जो बरसात के दिन आ गया, नमीपन के दिन आ गया, लेकिन हमारे इंडक्शन में सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। तो बहुत कोई क्या होता है कि डिस्प्ले को रिपेयर कर लेता है, अगर इस वीडियो को आप देखोगे ना तो आपका भी दिमाग खुल जाएगा कि नहीं सर सही बात बोल रहे हैं। तो राइट चलिए समझते हैं। ये हमारा पीसीबी हो गया जो ब्रांड कंपनी का, यानी हेवल समझ लो, फिलिप्स समझ लो, पिजन समझ लो और आपका बजाज समझ लो, ये जितने ऐसा इस टाइप का दिखता है सब कोई सा भी कंपनी में एक लग सकता है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना, सबसे पहले अगर आपको मेरे आंसर देना है तो वीडियो को पुश करना और कमेंट में बताना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखो इसको आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया लगाया ऐसे आवाज़ आता है, ये देखना। तो आप वीडियो को पुश करो और आपको 3 सेकंड के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि आप मेरे को कमेंट में आंसर दो कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है या मेन पीसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें आपको पता चल जाए कि कौन कौन आदमी मेरा वीडियो देखने से आपको उनको नॉलेज मिलता है और किनको किनको हेल्पफुल वीडियो है। तो अभी मैं क्या करूँगा देखना, एक बार और आपको बता रहा हूँ, राइट। ये देखो अभी इतना आपको प्रोसेस बता दिया, अब आपको प्रॉब्लम सबसे पहले 50% से ज़्यादा हमारे दोस्त लोगों ने क्या समझेंगे कि डिस्प्ले खराब है, लेकिन ये गलत बात है, डिस्प्ले खराब कभी नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे आपको इस मल्टीमीटर में, आप जान रहे हो कि सप्लाई को वोल्टेज को चेक करते हैं और हमारे इंडक्शन कुकटॉप में एक 5 वोल्ट वाली जो आईसी लगी रहती है 7805 और उसके बाद एक माइक्रो कंट्रोल आईसी है। अभी क्या होता है कि हमारे जितने भी माइक्रो कंट्रोल आईसी है इंडक्शन के पीसीबी का सबको 5 वोल्ट चाहिए, कितने वोल्ट चाहिए 5 वोल्ट चाहिए। अब मैं क्या करूंगा यहां पे देखने आपको बता रहा हूं, हम क्या करेंगे मल्टीमीटर में जहां पे 5 वोल्ट आउट होता है हम वहीं पे इसको सोल्डिंग करके आपको प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे, राइट। अभी देखना मैं यहाँ पे 5 वोल्ट को चेक कर रहा हूँ कि 5 वोल्ट हमारे इंडक्शन के पीसीबी में कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद आपको बताना है, राइट। अभी हमने यहाँ पे लगाया, जैसे ही लगाने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ पे सप्लाई कितना आ रहा है, 3 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट आ रहा है। जब तक यहाँ पे आप मल्टीमीटर में जहाँ पे 3 और 4 देख रहे हो वहाँ 5 वोल्ट नहीं आएगा, तब तक आपके यहाँ पे एलईडी जो ब्लिंक कर रहा है वो सही नहीं जलेगा और नहीं आपका डिस्प्ले काम करेगा। तो सबसे पहले इसको रिपेयर कैसे करेंगे और कहाँ से प्रॉब्लम है, आपको पता चल गया कि हमारा प्रॉब्लम है वो SMPS की प्रॉब्लम है। तो इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आप थोड़ा सा टेंशन ले लेते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको डिस्प्ले सही है 100% 99% बोल सकता हूँ कि आपका डिस्प्ले सही वर्किंग कर रही है, जो भी प्रॉब्लम है SMPS में प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे SMPS को चेक कैसे करेंगे और आपका डिस्प्ले को कन्फर्म कैसे करेंगे, हम एक वीडियो बनाया था कि 9 वोल्ट की बैटरी से, तो उस वीडियो का ऊपर आई बटन में लिंक भी दे दिए, उस वीडियो को देख के जा सकते हैं। इसके माध्यम से हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले सही है कि नहीं है और हमारा माइक्रो कंट्रोल आईसी सही है कि नहीं। अब मैं कैसे चेक करूंगा आप भी देखो। अभी देखना मैं दोस्तों यहाँ पे एक 9 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अभी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक स्विच डाला हूँ माइक्रो कंट्रोल स्विच, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करूँगा यहाँ पे 5 वोल्ट भी बनेगा और हमारा डिस्प्ले कंटिन्यू अच्छा से वर्किंग करने लगे। कैसे ये देखो मैं यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करो, उसके बाद यहाँ पे देखो अब मेरे यहाँ पे पैनल भी काम करने लगा, राइट। तो क्या होता है कि आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि सर प्रॉब्लम किधर से है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले हमको 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है हमको 9 वोल्ट भी नहीं बन पा रहा है। जब तक अगर हमको 9 वोल्ट नहीं बनेगा कंटिन्यू, वैसे हमको 5 वोल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसमें एक्चुअली बहुत कुछ समझता होगा सर 7805 आईसी जो लगी वो हो सकती है ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको क्या हो रहा है कि 9 जहाँ पे सप्लाई इन करते हैं 7805 में वहाँ पे हमको सप्लाई नहीं मिल रहा, तो उसका भी आपको प्रैक्टिकली करके मैं बता रहा हूँ, राइट। अभी हमने क्या किया मल्टीमीटर को 9 वोल्ट के में सेट कर दिया, यानी पीसीबी में सोल्डिंग कर दिया। अभी जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो हमारे यहाँ डिस्प्ले में देखना है कि 9 वोल्ट के जगह पे कितना वोल्ट बन रहा है। अभी हमने यहाँ क्या किया यहाँ पे लगा दिया,
लगाने के बाद मैं देखो हम कहाँ पे स्विच किया, 9 वोल्ट का जगह हमारा जो सप्लाई SMPS से बन के आती है वो 9 वोल्ट नहीं बन पा रही, यानी कभी सप्लाई बन रही है कभी छोड़ रही है, कभी सप्लाई बन रही है कभी छोड़ रही है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप आपको बताया तो कि जो SMPS होता है यहाँ पे जो YC लगी रहती है, MOSFET IC जिसको बोलते हैं या स्विचिंग IC भी बोल सकते हैं, वो वाइपर भर आए हो सकता है ओपन हो, लेकिन क्या होता है कि अभी बरसात के दिन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप यहाँ पे IC को भी बदल के देखोगे तो आपके पास सेम प्रॉब्लम होगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप रिपेयर करने से बेहतर होगा कि इंडक्शन का जो मॉड्यूल मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूल कैसा होता है, उस मॉड्यूल के यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। अभी हमने क्या किया है कि देखो यहाँ पे एक मॉड्यूल आती है इंडक्शन के जो मॉड्यूल होता है, यहाँ पे सप्लाई हमको 18 वोल्ट और 5 वोल्ट हमको दो सप्लाई चाहिए यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको कैसे लगाते हैं, इसका यूज क्या होता है, मैं ऊपर के आई बटन में एक तो लिंक दिया हूँ, उस वीडियो को देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो इसके मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप मंगा सकते हो, हर जगह मेरे पास ये मॉड्यूल पहुँच जाएगा। तो आज के वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए पावरफुल हो तो हमारा वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट।